अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज़। और जैसा आपको पता है कि मैं साथ में जो है वो ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ, और मैंने सोचा चले आज इंडिया और इंग्लैंड का जो T20 है, चौथा T20 है, वो उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है ये मैच जीतना। पाँच सीरीज़ की ये मैचेस थे T20, और इंग्लैंड दो जीत चुका है और इंडिया ने एक मैच जीता है। अगर आज इंडिया ये सॉरी इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है तो इंग्लैंड जो है वो सीरीज़ जीत जाएगी। फिर इंडिया, आपको पता है, फिर इंडिया अगर हारता है अपनी होम सीरीज़ में, तो कोई भी टीम अगर अब होम सीरीज़ में हारती है तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो है जिस तरीके से इंडिया ने खेली थी उसके मुकाबले में जो T20 के जो मैचेस है वो इतने अच्छे नहीं खेले। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इंडियन टीम में क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या के राहुल को आज का मैच फिर खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 1 रन्स किया है? पहला सवाल ये आपसे। दूसरा ये कि क्या आप लोग समझते हैं कि स्पिनर्स में कोई चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि पटेल भी, अक्षर पटेल भी हैं इंडिया के स्क्वाड में, क्या उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे उनकी वो T20 की टीम में वो बड़ी अच्छी उन्होंने टेस्ट मैच में बॉलिंग की, क्या उनको आना चाहिए? क्या ठाकुर को कंटिन्यू खिलाना चाहिए, चेंजिंग्स होनी चाहिए फास्ट बॉलर्स में, कोई चेंजिंग होनी चाहिए? उसके अलावा क्या आप लोग समझते हैं कि क्या वाकई इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के प्रेशर में आई है? उन दोनों ने तेज गेंदें तो बहुत की हैं, क्या उन दोनों की तेज़ गेंदों की वजह से इंडिया की टीम बैकफुट पे रही है, इंडिया की टीम रन्स नहीं कर सकी, या वो इतनी तेज़ गेंदें कर रहे थे उनको सिर्फ छक्के चौके सर्किल में मारने के चक्कर में आउट हुए? एक और बात ये, क्या ईशान किशन को और ऋषभ पंत को इसी तरीके से ही क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह वो आते हैं, उनको खुला खेलना है? इसमें नो डाउट हर किसी को एक अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, लेकिन क्या उनको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, या बस आए और एक मतलब तेज़ खेलने की कोशिश करें, क्योंकि तेज़ खेलने की वजह से नुकसान तो हो रहा है। अगर रोहित शर्मा या आज फिर कोहली खेलते, वो सॉरी राहुल के राहुल खेलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विराट कोहली जो है वो कॉन्फिडेंस तो बहुत देते हैं अपने प्लेयर्स को अगर परफॉर्म नहीं करते, और के राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं IPL में और इंडियन टीम से बड़े परफॉर्मेंस की हुई, तो शायद हो सकता है कि आज का मैच खेले। आप लोग क्या समझते हैं, अगर ये दोनों खेलते हैं तो इनका रन्स करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद अगर ये दोनों रन्स नहीं करते तो क्या फिर ईशान किशन और ऋषभ पंत को सेंसिबल तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि मिडल ऑर्डर इतना तगड़ा नहीं है इंडिया का। विराट कोहली वाहिद ऐसे प्लेयर है जो मैच लेके चल सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर मुझे मिडल में नज़र नहीं आता कि जो मैच लेके चले। आप लोग क्या समझते हैं कि मिडल ऑर्डर में भी कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए कि जो मैच लेके चले विराट कोहली के साथ? जब टीम हारती है उस टाइम ये डिस्कशंस होती हैं बहुत ज़्यादा कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, उसके बाद फिर टीम चेंजिंग्स की बातें शुरू हो जाती हैं। शायद हो सकता है कि टीम चेंज हो आज कुछ ना कुछ, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा क्रूशल है ये आज का T20। अगर जीतता है तो सीरीज़ में जान है, अगर हार जाएगा तो फिर सारी जान ख़त्म हो जाएगी, और इंग्लैंड जो है वो ये फिर बता देगी कि वाकई हम T20 की बेस्ट साइड है और हम इसीलिए पहले नंबर पे, और जो सेकंड नंबर पे थी इंडिया की टीम हमने उसको हरा दिया। इसका मतलब ये है कि वाकई मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड की जो टीम है
वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आई थिंक टॉस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो, आप सबको पता है कि वो पहले फील्डिंग करती है, क्योंकि रन्स चेज करना बड़े ईजी हो रहे हैं इस ग्राउंड में जहाँ पर T20 के मैचेस खेले जा रहे हैं। तो ये कुछ सवाल थे आपसे कि आप क्या समझते हैं कि, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, अगर टॉस हार जाती है तो लाजमी से ज़्यादा पहले बैटिंग करेगी, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है उनको कितने रन्स करने चाहिए, कितने रन्स करके जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है वो डिफेंड कर सकती है जो उन्होंने रन्स किए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आज कैसी परफॉर्मेंस होती है। जो मुझे मेरा जो दिल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम जो है आज का मैच जीतेगी और उसको जीतना भी चाहिए, क्योंकि आज ज़रा डिफरेंट थोड़ा सा खुल के आएंगे, तगड़े आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि आखिरी मैच है सीरीज़ बचाने के लिए। इंशाल्लाह फिर मैच के बाद हाजिर होते हैं, फिर मैच के ऊपर जो भी बात करनी होगी फिर मैच के बाद करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नाश्ता कर लें।